अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ला...
लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति मास को मास के रूप में हम मना रहे हैं, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूं। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आँखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आँखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे, तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या लिखेंगे फीडबैक में? आपको नंबर एक, आपको कैसा लगा। नंबर दो, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर तीन, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर चार, अन्य कितने साथियों को मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर पाँच, आप अपना चार्ट रखें कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर छः, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी, 3:50 जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है, 3:55 सूचनाएं सुनोगे, 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा, 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे, 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे, 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला, बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। मम्मा के लौकिक जीवन की गाथा बताती हूँ। मम्मा का लौकिक नाम राधे था और उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक उनकी छोटी बहन थी जिनका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन, श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था जो एकदम खाली हाथ हो गए। इससे उनको हृदयाघात हो गया, अटैक आ गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद सिंध गए हुए थे। अब मम्मा का जीवन सिंध कराची में आने के पश्चात परिवर्तित हो गए। यहाँ मम्मा की जीवन कहानी कुछ मोड़ लेती है। हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। अब राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर वन थी, गाने में नंबर वन और डांस करने में भी नंबर वन थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था स्कूल का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी शौक था कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। और इतनी फैशन की शौकीन थी कि फ्रॉक पर जो डिज़ाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। अब रोज राधे नई नई डिज़ाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल में जाने लगी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वह बहुत सुंदर भी थे। राधे हैदराबाद सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। मनवा मोरा मिलन में तेरे।
जीवन जब से गोद में तेरे करने लगा कलोने मनवा मूरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले मनवा बाबा बाबा बोले।
अपना संपूर्ण ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र, मस्तक के बीचों बीच अपने आप को देखें। मैं एक तेजस्वी आत्मा, इस देह की मालिक, भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं अपने मन और बुद्धि के दिव्य नेत्र से अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रही हूं। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं। मेरा संपूर्ण राज्य एक एक सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय पर है। मेरी हर कर्मेंद्री मुझ आत्मा के ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप से पावरफुल पवित्रता की लाइट निकल रही है। बहुत शक्तिशाली और मेरी संपूर्ण देह में फैल रही है ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें। देह की एक एक कर्मेंद्रिय को शांत कर रही है। मेरे दोनों पैर एकदम शांत हो चुके हैं, कोई हलचल नहीं। जड़ अवस्था में
शून्य अवस्था में, जैसे कि है ही नहीं, और धीरे धीरे दोनों पैर के ऊपर का हिस्सा एकदम शांत, एक एक दैहिक कर्मेंद्री मुझ आत्मा की पवित्रता की शक्ति से एकदम शांत हो चुका है। महसूस कर रही हूं कि मैं देह में होते भी नारी प्यारी हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी मिट्टी के पुतले को यहां ही छोड़कर इस देह और देह की हर आकर्षण से परे पहुंच जाती हूं। इस हद की दुनिया से पार बेहद मैं अपने घर परम धाम में तत्वों
जहां मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उनके शक्तिशाली किरणों के नीचे ज्वाला स्वरूप किरणों के नीचे मैं आत्मा परम धाम में स्वयं को देख रही हूं। मेरा स्वरूप
कितना दिव्य और अलौकिक है। मैं आत्मा बहुत शांति का और हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। हर हद की जंजीरों को तोड़कर, हर प्रकार से मुक्त होकर मैं अपने घर में अपने बाबा के पास आ गई हूँ। कितना सुकून मिल रहा है। बस मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा आज सिर्फ बाबा में अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र रखूंगी। बाबा की शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भरपूर करूंगी। मैं बाबा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। दिल ये चाहता
समझी तुम्हें अपनी माँ।
से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा जगदम्बे
जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियाँ ये गुनगुना रही, बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियाँ सारी बुला रही, साथ चलो साकार में भी संग सपनों में चलते देखा, हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा, हे जगदम्बे
बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, पूजे जग तेरे स्वरूप को, पूजे जग तेरे स्वरूप को। अब ये भी समझने की बात है के ऊपर, परमात्मा की जानकारी के विषय के ऊपर इतना अनेक विचार है। अब इसकी जानकारी यथार्थ कौन देवे कि आखिर भी वो कौन है, इसलिए ही उनके जानकारी के लिए खुद उसको याना पड़ता है, स्वयं परम पिता परमात्मा को, जो अपनी आकर करके जानकारी देता है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए उसने कहा है कि जब जब ऐसा अधर्म यानी इस चीज का अज्ञान हो जाता है कि मनुष्य न मुझे जानते हैं न अपने को जानते हैं, क्योंकि अपने को भी जानेंगे कैसे, मेरे द्वारा ही उनका नॉलेज यानी अपने का यानी मनुष्य का भी नॉलेज, मनुष्य को अपना पता भी मेरे द्वारा पढ़ने का है और मेरा पता भी मेरे द्वारा, कि मेरा तो कोई क्रिएटर नहीं है ना जो मेरा पता दे। अगर मेरा भी क्रिएटर अगर क्रिएटर के ऊपर क्रिएटर जो आखिर तो कोई तो रहेगा जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, तो कोई तो गॉड कहेंगे ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, तो मैं तो क्रिएटर किसका हूँ, मनुष्य आत्माओं का। शांति। आज की तारीख है 4/6/23 और आज की ज्ञान मुरली फिर से हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की।
तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नए वर्ष को शुभ भावना और गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ, क्योंकि रिवाइज कोर्स की तारीख है 31/12/94। तो नया वर्ष आना है, इसलिए मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है, नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। बाबा कहते लेकिन आप तो संगम युग निवासी हो, नई दुनिया की स्थापना में बाप के मददगार हो, तो आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतोप्रधान है और प्रकृति भी सतोप्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी दिल से दिल को दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनो के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? अच्छा, अब मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं कि चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता और श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं के यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। मीठे मीठे बाप दादा आगे बोले जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख, आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी थे इसीलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ
वह साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।